बरेली के स्वास्थ्य विभाग में कुछ दिन पहले बड़े पैमाने पर हुए बाबुओं के तबादले से नाराज यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार के साथ धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। लेकिन जब अमृत विचार की टीम धरना स्थल पर कवरेज करने गई तो देखा कि वहां प्रदर्शनकारी तो लापता थे और खाली कुर्सियां पड़ी थीं। इक्का दुक्का प्रदर्शनकारी नजर आए, वो भी धरना स्थल से दूर। वहीं सिर्फ जमीन पर बिछी दरी, उस पर खाली कुर्सियां और पीछे की तरफ लगा एक पोस्टर ही नजर आ रहा था। वहीं जब प्रदर्शनकारियों से कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं था। वहीं तभी जुबान में प्रदर्शनकारियों ने बताया कि ऊपर से यानी एसोसिएशन के नेताओं ने कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन पर कुछ भी बोलने से मना किया है। आपको बता दें, सोमवार को एसोसिएशन ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर कार्य बहिष्कार किया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विभाग के ही दक्षिण भारत के एक आईएएस अधिकारी ने योगी सरकार को बदनाम करने के लिए गैर कानूनी तरीके से तबादले किए हैं। यह भी आरोप है कि दक्षिण भारत की एक राजनीतिक पार्टी का प्रदेश में दबदबा बनाने के लिए यह तबादले किए जा रहे हैं। वहीं बाबुओं की हड़ताल की वजह से सीएमओ कार्यालय में दिव्यांग सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, सभी कागजी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।